पूर्व पर चल रही हैं। जिलों में आरक्षण सूची भी बारी बारी से जारी की जा रही है। चुनाव में किसी तरह की कोई चूक ना हो इसके लिए डीआर और बीएलओ को कार्य सौंपा जा चुका है। चुनाव तैयारियों पर जेएमडी संवाददाता सारिका गुप्ता ने कानपुर जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर से बातचीत की। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जिला निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की जाएंगी उन पर सख्ती से पालन किया जाएगा। जो भी आपत्तियां प्राप्त हो रही हैं उनको दूर कराया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर काफी तैयारियां कर ली गई हैं और कानपुर जिला प्रशासन ने क्या तैयारी की है ये जानने के लिए विशाख जी अय्यर हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, चुनाव होने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो टाइमलाइंस निर्धारित किया गया है, खासतौर पर जो वोटर लिस्ट अपडेशन को लेकर के और वोटर्स के एडिशन को लेकर के, उस टाइमलाइंस के अनुसार हमारे जो संबंधित एईआरओ से उनके माध्यम से जो वोटर लिस्ट को तैयार करने की कार्रवाई हम लोगों ने कर लिया है और जो आयोग द्वारा निर्धारित जो समय सीमा है टाइमलाइन के अनुसार हम लोगों ने उसको पब्लिश भी किया है। वर्तमान में हम लोगों ने इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे विभिन्न प्रभारी अधिकारी है उनका नियुक्ति किया गया है। विभिन्न जो नगर निकायों के लिए जो आरओस इत्यादि के जो नियुक्ति करने हैं उसका नियुक्ति की प्रोसेस कर ली गई है और विभिन्न प्रकार के जो हमारे जो मोबिलाइजेशन में जो जो टीम को तैयार करने हैं उसको भी हम लोगों ने डिप्लॉय कर लिया है। सर, अभी तक कितनी आपत्तियां आई हैं और लगातार ये भी सामने आ रहा है कि जो वोटिंग लिस्ट है वोटरों की उस पर अभी जो है नाम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं? देखिए, जो आपत्ति दो प्रकार के होते हैं, एक तो अभी जो आरक्षण जो पब्लिश हुआ है उसकी जो आपत्ति है उसके संबंध में जो आयोग द्वारा निर्धारित समय से जो निर्धारित समय सीमा है उसके अनुसार जो आपत्ति प्राप्त करने की जो कार्रवाई है वो डिप्टी डीईओ के जो कार्यालय है उसमें किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न नगर निकायों के लिए अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं और किसी भी प्रकार के आपत्ति जो आरक्षण को रिलेटेड है जो शासन द्वारा पब्लिश किया गया उसके संबंध में जो शासन ने जो समय सीमा निर्धारित किया उसके अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके संबंध में जिले स्तर पर एक समिति प्रत्येक निकाय के लिए तैयार किया गया है और उस समिति के माध्यम से उसको परीक्षण करके उसका अंतिम निर्धारण किया जाएगा। जहां से भी इसके संबंध में जो रिप्रेजेंटेशन आते हैं उसको संबंधित एईआरओ के माध्यम से परीक्षण कराया जा रहा है और अभी भी कंटिन्यूस अपडेशन के दौरान इस आपत्तियों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित करते हुए वोटर लिस्ट की कार्रवाई भी लगातार चल रही है। सर, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं या फिर कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? देखिए, वर्तमान में जो चुनाव की जो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी उसके बाद आयोग के निर्देशानुसार जो कंट्रोल रूम इत्यादि की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में हमारे एईआरओस हमारे बीएलओस के माध्यम से कंटिन्यूअस अपडेशन की प्रोसेस चल रही है। तो ये थे हमारे साथ विशाख जी अय्यर, जिनका कहना है कि काफ़ी तैयारियां कर ली गई हैं और जितने भी बीएलओ हैं डीआरओ हैं उनको तैनाती कर दी गई है। अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरू मिश्रा के साथ सारिका गुप्ता, जेएमडी न्यूज़।